हेलो एंड वार्म वेलकम टू सारा जेई। सो गाइस, आज ये हमारा फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज का क्या है, थर्ड वीडियो है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं डीमैट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो कई लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनको यही क्लियर नहीं हो पाता है कि भाई डीमैट अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, वो कभी चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि भाई आपके पास सपोज करो पैसा है। अब आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपए है, सपोज करो, थोड़ी देर हम सपोज कर लेते हैं कि भाई आपके पास क्या है, 10,000 रुपए हैं। अब इसको आप क्या करना चाहते हो, इस 10,000 रुपए से शेयर को खरीदना चाहते हो। अब बात आती है कैसे इन 10,000 रुपए से तुम शेयर खरीदोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो इसके लिए तुमको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, लेकिन बात है भाई डीमैट ट्रेडिंग है क्या। तो इसी डिफरेंस को समझने के लिए तुमको थोड़ा प्रोसेस समझना पड़ेगा। ये थे तुम, भोला शंकर, ये थे तुम, भोला शंकर। तुमने सोचा चलो यार पैसा शेयर मार्केट से बढ़ाएंगे, और तुम क्या कर रहे, तुम चले आए 10,000 रुपए लेके। अब सबसे पहले तुमने पूछा यार 10,000 रुपए करें क्या, तो कुछ नहीं किया। तुमको सबसे पहले क्या करना है, तुमको बैंक में जाना है। सबसे पहले क्या करना है, तुमको बैंक में जाना है और बैंक में अपने सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये क्या है, जमा कर देने हैं। तो सेविंग बैंक अकाउंट में तुमको ये 10,000 रुपये जमा कर देने हैं। अब जब तुम ये जमा कर दोगे ना, तो यही पैसा, जो ये पैसा है, इस पैसे को तुम क्या है, या तो NEFT के द्वारा, या तो IMPS के द्वारा, या किसी अदर मीडियम से तुमको क्या करना होगा, पैसे को ट्रांसफर करना होगा। किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। किसमें करना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। जब तुम ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लोगे, तो इस पैसे के द्वारा तुम क्या करोगे, शेयर को खरीदोगे। ठीक है, तो जैसे आपने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने 10,000 रुपये, ये जो आपने जमा किए थे आज बैंक में, ये ट्रांसफर कर लिए। अब इन 10,000 रुपये जो तुमने कहा कि सर हमको ABC कंपनी के शेयर को क्या है, बाय करना है, हमको क्या करना है, ABC कंपनी शेयर को क्या है, बाय करना। तो तुमने क्या किया, इस कंपनी के शेयर को क्या कर लिया, बाय कर लिया। अब बाई तो तुमने कर लिया, बाई कैसे हुआ, बाई तब हुआ जब तुम्हारे पास ट्रेडिंग अकाउंट था। तो कहने का मतलब क्या है, शेयर को बाई करना है या सेल करना है, तो क्या चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट। तो कम शब्दों में बात यहां पर यह आती है निकल के, किसी शेयर को अगर हम बाई करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो हमको क्या चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होगा तो आप शेयर को बाई और सेल कर ही नहीं पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का काम है शेयर को बाई या सेल करना। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, ट्रेडिंग अकाउंट का काम क्या है, शेयर को बाई या फिर सेल करना। अब देखो, जैसे तुमने क्या है, शेयर को बाई कर लिया। अब बाई करने के बाद अगर तुमने शेयर को डिलीवरी में लिया है, देखो शेयर को दो तरीके से लेते हैं, ध्यान से सुन लो, शेयर को लेने के दो तरीके हैं। देखो पहला होता है इंट्राडे और दूसरा होता है डिलीवरी। अब देखो जो इंट्राडे होता है, इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे पे खरीदा और सेम डे पे बेचा। सपोज करो आज मंडे है, तो तुमने मंडे को खरीदा और मंडे को ही सेल कर दिया, तो इसको कहते हैं इंट्राडे। इंट्राडे मींस सेम डे पर आपने क्या किया, शेयर को बाई किया और सेल कर दिया। और देखो डिलीवरी का मतलब होता है कि तुमने शेयर को क्या किया, होल्ड किया। शेयर को तुमने क्या करना है, होल्ड करना है। अगर शेयर को होल्ड करना है तो तुमको चाहिए डीमैट अकाउंट। तो ध्यान रखना, अगर शेयर को होल्ड करना है तो तुमको चाहिए क्या, डीमैट अकाउंट। बिना डीमैट अकाउंट के शेयर होल्ड नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है शेयर
होल्ड करना है अगर तुमको तो डीमैट अकाउंट चाहिए। अब कुछ लोग ये पूछेंगे सर हमको होल्ड करने की क्या जरूरत है, हम सेम डे पे खरीदें और सेम डे पे बेचें। अगर देखो तुमको सेम डे पे खरीदना और बेचना है तो सिर्फ और सिर्फ तुम ट्रेडिंग अकाउंट से काम चला सकते हो। तो नॉर्मली जो लोग सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, उनका पर्पज होता है इंट्राडे करना, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करना। और जिनको क्या है इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो डीमैट प्लस ट्रेडिंग दोनों खुलवाना पड़ता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो नॉर्मली जो हम लोग करते हैं वो नॉर्मली क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। देखो जो बिल्कुल ब्रिलियंट हो जाते हैं, जिनको पता है कि भाई जिनके गैस बिल्कुल करेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं इंट्राडे करते हैं, और जिन लोगों को क्या इतना नॉलेज नहीं होता वो क्या करते हैं इन्वेस्टिंग करते हैं। क्योंकि इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप शेयर को ले लेते हैं डिलीवरी में, और लेने के बाद उसको क्या कुछ दिन रहने देते हैं, जब आपको लगता है एक साल बाद या छह महीने बाद या दस दिन बाद तब आप उसको क्या करते हैं सेल कर देते हैं, तो आपको डीमैट चाहिए। तो अगर आपका टारगेट ट्रेडिंग का है सिर्फ तो ट्रेडिंग अकाउंट से काम चल जाएगा, और अगर आपका टारगेट क्या है डिलीवरी में लेने का है शेयर तो फिर आपका क्या डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग दोनों ही आपको लेना पड़ेगा। जो नॉर्मली कैंडिडेट लेते हैं, जो नॉर्मली लोग लेते हैं वो क्या करते हैं डीमैट लेते हैं और साथ में ट्रेडिंग लेते हैं, मतलब दोनों अकाउंट साथ में लेते हैं, अलग अलग नॉर्मली क्या है कोई नहीं लेता है। नॉर्मली क्या है डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट क्या एक ही साथ ले लिया जाता है। तो ये तुम्हारा डिफरेंस था ट्रेडिंग में और डीमैट में। ट्रेडिंग मतलब जब तुमको शेयर को सेम डे पे खरीदना और बेचना तो तुम ट्रेडिंग अकाउंट ले सकते हो, और डीमैट ट्रेडिंग कब लोगे तो तुमको डिलीवरी वगैरह में शेयर लेना हो, मतलब तुमको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना हो। और डिफरेंस क्या बताया था मैंने तुमको, डिफरेंस बताया था कि डीमैट अकाउंट का काम है कि शेयर को होल्ड करना, ट्रेडिंग अकाउंट का काम है शेयर को बाई करना या फिर सेल करना, और मैंने तुमको ये एग्जांपल के द्वारा समझाया था जो भोला शंकर का एग्जांपल था। तो ओवरऑल मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया भाई डीमैट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। और बेटा तुमको मैंने फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो भी प्रोवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो तुम्हारा था आईपीओ से कैसे पैसा हम क्या है बहुत ही कम समय में छाप सकते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद तुमको मैंने सेकंड वीडियो भी प्रोवाइड किया था तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और ये सारे के सारे वीडियो आपको क्या है पॉडकास्ट में एक सेपरेट प्लेस तुमको मिल जाएगी, प्लेस का नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। उसमें जाकर आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें और पैसा छापो। और एक बात मैं तुमसे यही कहूँगा, अगर नॉलेज है तो फिर आसानी से पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर नॉलेज नहीं है तो पैसा कमाने में फिर तुमको क्या है हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आई होप तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ही अच्छा रहा होगा। तुमको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।